जहां इंडियन नेशनल लोकदल ने ये निर्णय लिया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को पार्टी से बाहर किया जाए, मेरे को और दिग्विजय सिंह को बाहर किया जाए, उसके बाद हमने तो कोई विवाद इनेलो के साथ भी नहीं किया, हमने तो एक नई शुरुआत करी। मगर मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना एक चीज़ स्पष्ट कर देता है कि घबराहट मुख्यमंत्री के मन में भी है, और मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि अगर उनके सरकार को कोई हिला सकता है, गिरा सकता है, बदल सकता है, तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी कर सकती है। धनखड़ को आज काले झंडे किस तरह से देखते हैं, क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव? काले झंडे आज दिखाए गए चार विधायकों ने, कल विरोध दिखाया, इसका मतलब तो पूरे प्रदेश के अंदर एक विरोध की लहर की शुरुआत है। और भारतीय जनता पार्टी का तो आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले आप हाल देख रहे हैं, किस प्रकार से इनके विधायक भी, इनके सांसद भी इनको छोड़कर भागने का काम करेंगे, इनका विरोध करेंगे। और कई प्रदेशों के गेस्ट टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस निर्णय को चैलेंज किया। मुझे लगता है टेक्निकलिटीज को देखते हुए मेरा इस पर कोई टिप्पणी करना बहुत जल्द होगा, पर पार्लियामेंट के माध्यम से मैंने पहले भी सरकार से ये मांग करी थी कि सरकार गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाए, क्योंकि इसके अंदर अनेकों पार्टीज इफेक्टेड हैं, इसके ऊपर निर्णय कोई भी लिया जाएगा तो सरकार का।